रेप थ्रेट्स मिले, मेरे को सिक्योरिटी भी नहीं है मेरे पास, पर फिर भी मैं लड़ती रही, अकेले लड़ती रही, और मैं डर जाऊंगी। अगर वो प्यार से मांगते तो मैं जान दे देती, एमपी तो बहुत छोटी बात है। और मेरा अगर आप पूरा करियर देखेंगे तो मैंने कभी भी कोई भी पद की लालसा नहीं दिखाई अपनी जिंदगी में। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने हाल ही में 13 मई को उनके साथ हुई मारपीट के बारे में खुलकर बात की है। स्वाति ने सीएम केजरीवाल और उनके पीए विभव कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। स्वाति मालीवाल ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में 23 मई को कहा है कि अगर किसी को उनकी राज्यसभा सीट चाहिए होती तो वो भी प्यार से बोलते, मैं जान दे देती, एमपी तो बहुत छोटी चीज है। आगे उन्होंने कहा कि अब चाहे दुनिया की कोई भी शक्ति लग जाए, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। मुझ पर इस्तीफा देने का दबाव डाला जा रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। सुनिए स्वाति मालीवाल ने क्या कुछ कहा है। पॉलिटिशियन ने ये भी कहा है कि आप पे प्रेशर डल रहा है, एक चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि आप पे प्रेशर डल रहा है कि किसी तरह आप कॉम्प्रोमाइज करें। ये कई बार होता है विक्टिम्स के साथ, जब वो बोल जाते हैं तो देर इज प्रेशर फ्रॉम आइदर फ्रॉम द पर्सन हु हैज डन द क्राइम और एल्स फैमिली मेंबर्स, या कि आप कॉम्प्रोमाइज करो इसी, क्योंकि इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू फाइट दिस, यू नो इट टू। तो क्या आपको, आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आप तैयार होंगे या आपको जस्टिस चाहिए? मैम, ये जो मेरी ट्रोलिंग कराई जा रही है, जो विक्टिम शेमिंग कराई जा रही है, जो रोज रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी जा रही हैं, वो मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए करी जा रही हैं। और वो इसलिए किया जा रहा है जिससे कि मैं दबाव में आऊं और मैं अपना मैटर ख़त्म करूं। यही चीज़ 3 दिन तक मुझे डराया गया था कि अगर तुमने बोला, ये तो बहुत बड़ी मशीनरी है, तुम्हें झूठा साबित कर देंगे, सब कुछ होगा, गलत वीडियोज़ आएंगी, सब कुछ बोला गया था। लेकिन मैं तब भी नहीं डरी और मैं आगे भी नहीं डरूंगी। मैंने जो बोला है, एक एक शब्द उस FIR में बिल्कुल सच है। और मैं बोल रही हूँ, मेरा पॉलीग्राफ टेस्ट करा दीजिए, मेरा नार्को टेस्ट करा दीजिए, मेरा जो टेस्ट कराना है करवा लीजिए, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। और मैं क्योंकि सच बोल रही हूँ, मैं किसी से नहीं डरूंगी। इन्हें ये लगता है कि ये हर इंसान सत्ता के सामने झुक जाएगा, किसी को भी कुछ भी करवा दो, मार दो, पीट दो, उसका कैरेक्टर असैसिनेट करवा दो, उसके परिवार को बुरी तरीके से टॉर्चर करो, क्योंकि इस सब में तो मेरा परिवार के बारे में सोचिए कि मेरे परिवार का क्या हाल हो रहा होगा। लेकिन हम लोग थोड़ी अलग मिट्टी से बने हैं और मैं इतनी सस्ती नहीं हूँ। मेरे साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ और मैं अंत तक लड़ूंगी। और मुझे पता है इस लड़ाई में मैं अकेली हूँ, मुझे पता है मेरा कोई साथ नहीं देगा, मुझे पता है कि ये लड़ाई मुझे अकेली ही लड़नी पड़ेगी, क्योंकि मैंने सारे सर्वाइवर्स को देखा है, उनको अकेले लड़ते हुए देखा है, उनको वो हर दिन हर पल वो दुख और एक एक डेस्परेशन, एक हेल्पलेसनेस मैंने उनके अंदर देखी है। बट इट्स ओके, इन्हें लगा था कि इस तरीके से मारपीट कर एक फाइटर को ये विक्टिम बना देंगे। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि मैं फाइटर हूँ, फाइटर थी और फाइटर रहूंगी, अकेले लड़ूंगी, किसी की जरूरत नहीं है मुझे, मैं अकेले लड़ूंगी, लेकिन मैं जरूर लड़ूंगी। आप सत्ता के बारे में बात कर रही थी, कुछ लीक्स आई हैं फ्रॉम सोर्सेज इन आम आदमी पार्टी कि शायद हो सकता है कि आपको कहा गया हो कि राज्यसभा की सीट आपको, यू हैव टू गिव इट अप, क्योंकि किसी और, किसी एक खास वकील के लिए वो सीट चाहिए। वॉज दैट अन इशू? देखिए, अगर मेरी राज्यसभा की सीट उनको वापस चाहिए थी, अगर वो प्यार से मांगते तो मैं जान दे देती, एमपी तो बहुत छोटी बात है। और मेरा अगर आप पूरा करियर देखेंगे तो मैंने कभी भी कोई भी पद की लालसा नहीं दिखाई अपनी ज़िंदगी में। 2006 में इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर मैं तब जुड़ी थी जब कोई जानता नहीं था किसी को, 3 लोग थे ले दे के, उनमें से मैं एक थी। तो मैं तब से काम करती आ रही हूँ, ज़मीन पे काम करती आ रही हूँ। 2006 से लेके 2012 तक मैंने सारे ऑपरेशंस रन करे हैं। आई वॉज एब्सोल्यूटली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दोज 3 or 4 पीपल। डिड यू नॉट सी एनी साइंस ऑफ दिस जब प्रशांत भूषण, शांति भूषण के साथ वायलेंस हुआ, जब और भी किस्से थे, व्हेन इट वाज एजिटेशनल पॉलिटिक्स समटाइम्स बिकम्स विशियस, राइट? डिड यू नॉट सी द साइंस कि ऐसे हो रहा है? आई एम नॉट एक्यूजिंग यू, बट आई एम जस्ट आस्किंग यू कि कभी आपको डाउट लग रहा था कि कुछ लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हैं, कुछ लोग जरूरत से ज्यादा बुलिंग कर रहे हैं पार्टी में? डिड यू सी साइंस ऑफ दिस?
सो आई विल कंप्लीट द अदर क्वेश्चन फर्स्ट. तो मेरे को एमपीशिप की कोई लालसा नहीं है. ये मुझे प्यार से बोलते तो मैं हर हाल में रिजाइन कर देती. मुझे कोई समस्या नहीं है. मुझे नहीं लगता कि कोई पद में मैं बंधी हूँ. मेरे को लगता है कि मैंने बहुत काम किया है और मैं काम बिना पद के भी कर सकती हूँ. लेकिन जिस तरीके से इन्होंने मुझे मारा और पीटा है, अब चाहे दुनिया की कोई शक्ति लग जाए, मैं किसी भी हाल में रिजाइन नहीं करूंगी. मुझे पता चल रहा है, मुझे बताया जा रहा है कि इसी वजह से मुझे कैरेक्टर असैसिनेशन करा जा रहा है, विक्टिम शेमिंग करी जा रही है. मैं बिल्कुल रिजाइन नहीं करूंगी. आई एम द यंगेस्ट वुमन पार्लियामेंटेरियन इन द पार्लियामेंट राइट नाउ एंड आई विल वर्क वेरी हार्ड. मैं बहुत शिद्दत से मेहनत करूंगी और मैं एक आइडियल पार्लियामेंटेरियन कैसी होती है मैं वो बन के दिखाऊंगी. On the question of did you see signs of it happening? See, I've been there since 2006. जब हम 2006 में साथ में सब काम करते थे तो एक बहुत अलग तरीके का एनवायरनमेंट था, एक बहुत जोश था. ग्राउंड पे काम करते थे हम, लोगों के बीच में रहते थे. मैंने बताया मैं 7 साल झुग्गियों में रही हूँ और हम सब इस तरीके से काम करते थे. लेकिन जब पावर आती है और सत्ता आती है तो मुझे लगता है उसके साथ बहुत सारी चीज़ें आती हैं और सबसे बड़ी जो चीज़ आती है उसको कहते हैं अहंकार. तो धीरे 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 जब अहंकार आपके सर पे सवार हो जाता है तब आपको शायद ये नहीं दिखता कि क्या सच है क्या झूठ है, क्या सही है क्या गलत है. ये साइंस हम लोगों ने देखे हैं और ओवर द ईयर्स देखे हैं, पर मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि एक लड़की जिसने कभी इनका तो छोड़ दीजिए किसी का भी बुरा नहीं करा, जो कभी झूठ बोलती ही नहीं है, मेरे लिए ये बात सब जानते हैं, और अगर मुझे कभी मतलब मैं कभी कभी कुछ गलत नहीं करती, ऐसी लड़की जिसको ये सब जानते हैं उसके साथ पहले तो उसको पीटा जाएगा और उसके बाद उसको पूरी तरीके से कैरेक्टर असैसिनेशन करके आइसोलेट करवा दिया जाएगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था. बट आप जब अहंकार की बात करते हैं, ये किस में आ रहा था? सब में जो ऑफिस बेरर्स थे या कुछ लोगों में? मुझे तो लगता है कि सब में ही अहंकार बहुत बढ़ गया है. बट मैं ये मानती हूँ कि एवरीथिंग बिगिंस फ्रॉम द टॉप. सो आई थिंक दैट हमें बहुत ज़्यादा रीथिंक करने की ज़रूरत है और हमें ज़मीन पे ग्राउंड पे लोगों के साथ रहने की ज़रूरत है जो हम पहले करते थे. मैं ये मानती हूँ कि जैसे ही आप लोगों के बीच में रहते हैं और लोगों के साथ काम करते हैं तो उससे जो आपको एक एनर्जी मिलती है, उससे जो आपको इनपुट्स मिलते हैं, उससे जो आपकी सोल की क्लेंजिंग होती है वो किसी चीज़ से नहीं हो सकती. तो मैं तो यही कहूँगी कि अभी भी वक्त है और बहुत सारी चीज़ें करी जा सकती हैं, अभी भी संभला जा सकता है. क्योंकि अगर देश में एक क्रांति लानी है तो पहले अपने अंदर वो क्रांति लानी पड़ेगी और पहले अपने घर में अपने पार्टी में वो सारी क्रांति को हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. आपने अहंकार की बात की, आपने बिट्रेयल की बात की, राइट? द क्रीपिंग सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो आ रही है पार्टी में, और दूसरा बिट्रेयल, जैसे सबने बिट्रे किया आपको. डू यू फील दैट अब जो है, वेदर इट इज मिस्टर सिसोदिया, मिस्टर जैन जो अब जेल में है, सब उनको भूल चुके हैं, बिट्रेयल वहां से शुरू हुई, बिट्रेयल आप तक आ पहुंची है अब? जी, मैं तो इस वक्त बहुत ही ज्यादा बिट्रेड महसूस कर रही हूँ. एक एक करके सब, मैं बहुत बिट्रेड हूँ. मैं सबसे मैं इस वक्त जो महसूस कर रही हूँ, मैं बस यही चाहूंगी कि भगवान ना करे कभी कोई ऐसा महसूस करे, क्योंकि मेरा सब खत्म हो गया, मेरा सब कुछ लुट गया. और मैं जहाँ मैंने इतनी मेहनत करी, इतना काम किया, जहाँ पे मैं लोगों के साथ उठती थी बैठती थी, आज वही लोग मेरे परिवार तक पहुँच गए. आज उन्होंने क्या नहीं करा मेरे को डराने के लिए और धमकाने के लिए. मेरा चीरहरण तो मेरा उस घर में हुआ और चरित्रहरण मेरा रोज़ चलाया जा रहा है. तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हो गया और क्यों हुआ. और इतनी बुरी तरीके से आप किसी को मतलब ट्रीट करोगे, तो मैं आई फील वेरी बिट्रेड, आई फील वेरी लेट डाउन. टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट.